भाई डीजल टंकी अपना उतरने वाला है, उसके लिए पूरा डीजल को यहाँ पे निकाला जाएगा। नहीं निकालेंगे तो भाई टंकी पूरा उतरेगा नहीं अच्छे से। चाबी काट के ऑन करो। तो भाई कुछ देर तक चाबी काट के ऑन करना पड़ेगा, तभी अपना ये पूरा तेल जो कि यहाँ से निकल रहा है निकल पाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। काफी मेहनत के बाद फाइनली टंकी अपना उतर चुका है नीचे। तो टंकी आ चुका है बाहर, देख सकते हैं ये अपना टंकी। तो डीजल हम लेके आए हैं, उसको यहाँ पे अपने डीजल टैंक में इसको पलटा जा रहा पूरा। अब पोषण गाड़ी वहाँ पे लगाएगा क्योंकि अपना सामान जो ऑर्डर मैंने दिया था वो आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा शीशा में पानी भरवा रहे हैं क्योंकि शीशा काफी गंदा हो गया था, शीशा में हाथ भी नहीं लगाया। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। फाइनली भाई इंडिया पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा कंपनी। गाड़ी का टंकी आज खुलने वाला है, टंकी में बहुत कचरा हो गया है, गंदगी हो गया है, हमारा जो तेल है वो सही से बताता नहीं है। आज हमारे साथ छोटा वाला भाई भी जाने वाला है यहाँ पे। ये देखो पोषण अभी अपने घर पे है, पोषण को भी ले लेंगे साथ में। पोषण बोल रहा भाई इधर ही से आ जाओ, इधर ही से हमको लेते हुए चल चलना। बोले चलो ठीक है भाई आते हैं। तो भाई पोषण भी आ चुका है यहाँ पे, ये देखो साथ में चलेगा और हम लोग काम करवाएंगे गाड़ी का, जो भी काम रहेगा ना वो कंप्लीट करवा रहे क्योंकि अब नेक्स्ट ट्रिप का भी प्लानिंग हो रहा है। अब आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट ट्रिप का बताओ कहाँ पे जा सकते हैं आप। भाई अपने पास अभी भी ना 6-7 कंबल बचे हुए हैं, तो अभी इसको अभी खत्म कैसे करते हैं आप लोग को बताते हैं, आप लोग देखते जाओ कैसे खत्म होगा। इतना सुबह सुबह जब जाम लगता है ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है मेरा, 10 भी नहीं बजा पूरा बनारस में जाम। पहुंच चुके हैं भाई महिंद्रा शोरूम, अब गाड़ी को करते हैं अंदर और जो काम के लिए आए हैं वो काम को करवाते हैं कंप्लीट। तो पहुंच चुके हैं कंपनी के अंदर में यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा शीशा में पानी भरवा रहे हैं क्योंकि शीशा काफी गंदा हो गया था, शीशा में हाथ भी नहीं लगाया, सुबह सुबह घर से बाहर भी आ चुके थे तो हमने सोचा चलो थोड़ा शीशा में पानी भरवा लेते हैं। हो गया बस करिए धन्यवाद। चलो अब लगाते हैं गाड़ी। आ चुके हैं गैरेज के अंदर, अब गाड़ी को उधर साइड में कहीं लगाएंगे और लगाएंगे गाड़ी का नंबर। अब पोषण गाड़ी वहां पे लगाएगा क्योंकि अपना सामान जो ऑर्डर मैंने दिया था वो आ चुका है। जाओ 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 दो आगे। भाई डीजल टंकी अपना उतरने वाला है, उसके लिए पूरा डीजल को यहाँ पे निकाला जाएगा। नहीं निकालेंगे तो भाई टंकी पूरा उतरेगा नहीं अच्छे से, बहुत प्रॉब्लम भी होगा। इसी वजह से पूरा डीजल को ऊपर से मतलब सामने साइड से पाइप निकाल के निकाल लिया जा रहा है पूरा डीजल इसमें। चाबी काट के ऑन करो। तो भाई कुछ देर तक चाबी काट के ऑन करना पड़ेगा, तभी अपना ये पूरा तेल जो कि यहाँ से निकल रहा है निकल पाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। जब बंद होगा तो बताएंगे ठीक है, फिर से चालू करना। और पोषण यहाँ पे स्टेपनी पीछे से उतार रहा है, स्टेपनी उतरेगा तो यहाँ से अंदर से टंकी खुल के उतर पाएगा नीचे। ये देखो ये काम अपना सही है, स्टेपनी यहाँ पे लग गया, ये वाला सही है जुगाड़। मोस्ट प्ले है इंडिया का नंबर वन गेमिंग एंड स्पोर्ट प्लेटफॉर्म। मोस्ट प्ले आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे प्रमोशन एंड प्राइस। यहाँ पे होते हैं डेली बहुत सारे गिव अवे, जीत सकते हैं सुजुकी गिक्सर बाइक, सैमसंग S23 अल्ट्रा, 20 किलो सोना और बहुत सारे बोनस भी जीत सकते हैं। मोस्ट प्ले प्रोवाइड करता है 1200 रेफरल बोनस, 2000 बर्थडे बोनस। मोस्ट प्ले प्रोवाइड कर रहा है हाईएस्ट स्पोर्ट्स गेम, यहाँ पे आपको जीतने का चांस बहुत ज्यादा होता है। मोस्ट प्ले पे जीतो एंड अपने लाइफ को और बेस्ट बनाओ। और मोस्ट प्ले में आपको देखने को मिल जाता है कैसीनो और अविटर जैसे अच्छे गेम, और यहाँ पे आपको जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। मोस्ट प्ले बहुत ट्रस्टेड एप्लीकेशन है इंडिया का, तो मोस्ट प्ले पे जाओ अभी रजिस्टर करो, 150 बेट फ्री पाओ। किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाओ और पैसे कमाओ। तो स्टेपनी अपना उतर चुका है, अब उसको साइड में किया जाएगा। तो देखो भाई टंकी को खोला जा रहा है यहाँ पे, ये अपना डीजल टैंक उतरेगा। टोटल भाई 2.5 लाख किलोमीटर अपना गाड़ी चल चुका है, मतलब 2,40,000 चल चुका है, 2,40,000 किलोमीटर पे अपना टंकी उतर रहा है। इसके अंदर एक सामान होता है वही खराब हो चुका है, आपको दिखाएंगे क्या खराब हुआ है, किसके वजह से टंकी उतारना पड़ रहा है कंपनी में। एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, देखो छोटा वाला भाई का ड्यूटी लगा है यहाँ पे पंप को चालू करने का, मतलब ये बार बार चाबी काट के ऑन करेगा तो पंप चलेगा, पंप चालू होगा तो तेल निकलेगा टंकी में, मतलब बाहर। और कोई तरीका नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है। ये देखो चालू करो बस, ठीक भाई। अब मशीन से खोला जाएगा नट, लग रहा है भाई ऐसे खुल नहीं पा रहा है। भाई यार कभी मैंने सोचा नहीं था कि डीजल टैंक उतारने में इतना पंचायत, मतलब दो दो मिस्त्री लगे हुए हैं,
20 मिनट से मेहनत कर रहे हैं भैया लोग, अभी तक नीचे नहीं उतरा। सोचो कितना ज्यादा मेहनत लगता है। हम सोचे कि यार ऐसे ही लटका होगा कहीं पे, दो चार नट खोलोगे उतर जाएगा, लेकिन भाई बहुत सारा चीजें हैं जो कि खोलना पड़ता है, उतारना पड़ता है। देखो इधर देखो, एक भैया उधर लगे हुए हैं और एक भैया इधर लगे हुए हैं, खोले जा रहे हैं भाई। कुछ नट मिस हो गया क्या भैया? नहीं। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई यहाँ पे हो रहा अपना काम। तो पूरा नट अपना खुल चुका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टंकी को निकालने में। यहाँ पे देख सकते हैं भाई लोग काफी मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए। तो लगता है अब नीचे आ जाएगा टंकी हमारा। काफी मेहनत के बाद फाइनली टंकी अपना उतर चुका है नीचे। तो टंकी आ चुका है बाहर, देख सकते हैं ये अपना टंकी। पूरा भाई गंदगी साफ किया जा रहा है हवा मार के। तो यहाँ पे निकल चुका है भाई अपना सामान। गंदगी जम करो ना, पूरा गंदगी जम। और यही चीज खराब, यही खराब है क्या? हाँ हाँ यही खराब। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूल गेज। फ्यूल गेज, ये देखो ये कार्बन पड़ गया है ना, देखिए ये पूरा चिकना रहता है, कार्बन पड़ गया। अच्छा अच्छा, तो ये चीज अपना खराब है, इसी को करना है अब चेंज। अब देखते हैं भाई ये चेंज करने से सही हो जाता है कि नहीं, टंकी अपना सही हो जाएगा। एक बार देंगे ना सामने कार्बन पड़ा जमा, इसको रगड़ देंगे बालू में तभी सही हो जाएगा। अच्छा, देखो मतलब नहीं, वो सस्ता है बदल लिया। तो भाई टंकी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसको भी अभी साफ करवाना है टंकी को भी। और सर उसको उड़े पर उठाना, तो वो देखो उसमें भी कितना ज़्यादा गंदा लग चुका है। ये देखो भाई, ये देखो कितना काला हो गया पूरा। और इसमें तेल है, तेल खाली करने के बाद अच्छे से होगा साफ सफाई। इसमें तेल बदल दीजिए, बदल देंगे साफ। अभी जा रहा है भाई ये साफ होने के लिए, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इसका होगा साफ। टंकी का सफाई हो चुका है चालू। इसके अंदर भी साफ करेंगे भैया पानी डाल के प्रेशर से ही? अच्छा ये देखो भाई पानी से साफ हो चुका है। अब इसमें हवा मार के अच्छे से सुखाया जा रहा है, जो भी गंदगी रहेगा पूरा हवा से निकल जाएगा। भाई साहब इसके अंदर से पानी निकालना ना बहुत मुश्किल है, तो कैसे कैसे भैया पलट के टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल रहा है। उसके बाद ये पूरा पानी अभी भी नहीं निकला इसमें से, अच्छे से इसको साफ करना पड़ेगा अंदर ले जाके। ये देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी इसमें से आ ही जा रहा है। और कंपनी में हमारा एक सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे भैया? बढ़िया। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है। शिवम सिंह भाई साहब है, वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो अपना न्यू फ्यूल गेज आ चुका है, इसको भाई ऑर्डर दिया था मैंने और ये नया आ चुका है। अब इसको लगवाते हैं पहले इसके अंदर। तो हाँ भाई, नया वाला फ्यूल गेज ये है और पुराना वाला ये है, ठीक है? तो इसमें देखो इसका जो ये तामा है, तामा ये दिखने लगा है, लेकिन इसका देखो ये पूरा क्लियर है। तो अब देखो चेंज करवाने के बाद पता चलेगा भाई आखिर खराब क्या चीज़ है। तो भैया को अभी लगाने देते हैं, इसमें इसका ये भी काम करता है ना, यही बताता है मेन फ्यूल इसमें कितना है, ये जो है ये। तो चलिए भाई साहब टंकी को अच्छे साफ कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कपड़ा डाल के अच्छे साफ किया जा रहा है, उसके बाद इसको चेंज किया जाएगा। तो भाई टंकी का काम तो हो रहा है, तो हमने सोचा अपना डीजल फिल्टर भी चेंज करवा देते हैं। वैसे तो 1000 किलोमीटर बाद अपने गाड़ी का सर्विसिंग का टाइम भी आ ही गया है, तो एक दो दिन में सर्विसिंग भी करवा ही देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि टंकी का काम हो रहा है, कचरा है, हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत कचरा जमा हो, तो इसी वजह से कंपनी में ही डीजल फिल्टर भी चेंज करवा दे रहे हैं अपना। और पसंद जा रहे हैं डीजल खरीदने के लिए, तो इसमें दो आपको मिल चुका है गैलन, दोनों गैलन में 10 लीटर तेल आ जाएगा। 10 लीटर भैया ने बोला 10 लीटर तेल लेते आइए। ये वाला तेल अपना थोड़ा गंदा भी हो चुका है यहाँ पे, ये तेल थोड़ा सा गंदा भी हो चुका है, इसको भी छान के डालना है। और बाहर से हम जा रहे हैं तेल लेके आते हैं भाई, थोड़ा बहुत क्लिप दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? जो जो हो रहा है काम, ठीक। ये अपना डीजल टंकी चढ़ना हो चुका है चालू, ये देखते हैं। अपना डीजल फिल्टर भी लग के हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि अलग गया ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था डीजल फिल्टर भी अपना।
हम और पोषण गए थे तेल लेने के लिए, तो हम लोग 6-6 लीटर तेल लेके आ चुके हैं। 12 लीटर तेल टोटल गाड़ी में पड़ेगा और अपना तेल यहाँ पे बचा भी हुआ है, इसको छान कर डालना है। तो डीजल हम लेके आए हैं, उसको यहाँ पे अपने डीजल टैंक में इसको पलटा जा रहा है पूरा। एक टंकी हो चुका है, अभी दूसरा ढाला जा रहा है इस पर। टोटल 12 लीटर तेल है और अपने पास भी तेल बचा ही हुआ है। अभी तक 12 लीटर तेल अपने टंकी में जा चुका है, अब देखते हैं कितना बता रहा है, सही बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लगाया भाई चालू, मतलब चाबी लगा के चालू कर दिया है। ये देखो अभी देखते हैं भाई, रिजर्व अभी बता रहा है। अब अपना तेल डाल के देखते हैं, मतलब अभी तो भाई पहला तेल डाला गया है, अब गाड़ी स्टार्ट होगा उसके बाद उसका सही से बताए। 12 लीटर तेल क्या ही है भाई, पूरा 12 लीटर माप के डाला गया है। अपना वाला तेल को छानने का यहाँ तैयारी हो रहा है। ये देखो भाई बड़ा गैलन में है, इसमें भी भाई 5-6 लीटर तेल होगा। पकड़ते हो आराम से डाली, यहाँ पे छाना जा रहा है। ये देखो भाई अब भाई गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा, करिए। गाड़ी हो चुका अपना स्टार्ट। अब तेल भाई तब तक सही नहीं बताएगा जब तक अपना टंकी फुल नहीं होगा, अभी तो टंकी फुल नहीं है। टोटल 12 लीटर और 12 और 6, 20 लीटर टोटल है। टोटल 20 लीटर तेल अभी आया है और एक ही कुटी बता रहा है। डीजल फिल्टर भी हमने चेंज करा लिया और यहाँ पर लगता है कूलेंट भी थोड़ा कम है गाड़ी में, कूलेंट भी डाल लेंगे। कूलेंट घर में है? हाँ कूलेंट घर पे है अपना, बंद करो भाई, बंद कर देना भैया। अभी गाड़ी को लेके जाएंगे, थोड़ा चेक भी कर लेंगे और टंकी फुल करवाएंगे, तो जा रहे हैं कंपनी के बाहर। गाड़ी लेके निकल चुके हैं क्या भैया? ओरिजिनल रुद्राक्ष। हाँ ये रुद्राक्ष हम लिए हैं काठमांडू से, बस बद्रीनाथ मंदिर के बाहर से, अब पता नहीं ओरिजिनल है कि क्या है। तो यहाँ पे काफी सारा भाई गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, ये देखो नया नया गाड़ी है, ये सब डिलीवरी देने के लिए आए हुए अपना अपना। यहाँ पे भी नया गाड़ी काफी सारा लगा हुआ है और यहाँ पे पर्ची दिया जाएगा, पर्ची देने के बाद गाड़ी को निकाला जाएगा बाहर। आ चुके हैं कंपनी से बाहर, पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। हमारे तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई कैसे हैं, बढ़िया है, क्या नाम है? समीर खान भाई का नाम है। अच्छा बिहार से हैं, इधर कहाँ पे आए थे बाबत। अच्छा एयरपोर्ट कुछ काम था क्या? हाँ चाचा को अपने छोड़ना है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भाई, अभी निकलेंगे फिर वापस जी। बिहार कहाँ से हैं? बिहार पटना से। चलो भाई बहुत अच्छा लगा मिलकर। निकल चुका अपना बिल, टोटल इसमें अमाउंट आपको कितना देना है, इसमें हमको देना है ये देखो भाई 2438 रुपया। इतना हमारा बिल आया है जिसमें से हमारा डीजल फिल्टर चेंज हुआ है और अंदर का फ्यूल के लिए चेंज करवाया मैंने, उसको क्या बोलते हैं यार, फ्यूल गेज चेंज हुआ है और पूरा डीजल टैंकी बाहर निकल के पूरा साफ सफाई हुआ, उसका अलग रेट यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो भी लगा है सबको मिला के इतना हमारा आया है। तो फटाक से पे करते हैं, निकलते हैं, कुछ नाश्ता पानी पहले करते हैं। गाड़ी का काम करवाते अब भूख लग चुका है, अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया जाए। यहाँ पे लग रहा है गरम गरम छोले समोसे, ये देखो भाई एकदम गरम है, मज़ा आ जाएगा खा के। और छोटा वाला भाई पहले उसको भूख लगा है तो वहाँ बैठ के वो खा रहा है। भाई निकल चुके हैं, काम खत्म हो चुका है कंपनी का, अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। थोड़ा सा और भी काम है बहुत सारा, मतलब रास्ते में देखते हैं, अगर करना हो तो किया जाएगा, नहीं तो फिर घर पहुँच के ही करना है। तो हम लोग आ चुके हैं भाई DLW, तो ये DLW का मतलब है भाई डीजल रेल कारखाना। तो आप देखिए पूरा यहाँ पे डीजल का जो रेल है, इंजन है, वो यहाँ शायद रिपेयर होने आया हुआ है क्योंकि इसी के अंदर बनता है, वो गेट है उसके अंदर एंटर होता है और वहीं पे बनता है सब चीज़ें। तो हम लोग जाम लगाते हैं, इसलिए गाड़ी को घुमा के इसी के अंदर से आएंगे। आज आप लोगों को थोड़ा सा DLW का अंदर भी घुमाने वाले हैं। अब हम लोग सुरंग के अंदर गाड़ी लेके घुस रहे हैं, तो ये DLW का सुरंग। ओ बॉय एकदम मजा आ गया भाई। रोड के मामले में यार बनारस में बहुत काम हुआ है, ऐसा रोड तो भाई कभी जीवन में नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा बन सकता है, लेकिन बनाया गया है। पोषण अभी जा रहा है अपने घर, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय पोषण। आ चुके अपने घर के पास में, गाड़ी को देखते साइड में लगा दिया है, अब जा रहे हैं घर, खाना खा के रेस्ट करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट शाम को।
तो भाई सुबह हो चुका है और अभी फिलहाल जा रहे नारियल पानी पीने के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर रहे हैं। और सुबह होते ही पोषण भी आ चुका है, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को जाना है काम करवाने के लिए, क्या का काम करवाते हैं वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी बता दे क्या भाई एक बार तो कैमरा लगने वाला है, आप लोग कॉमेंट करिए हमें लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। और बाकी एक अच्छे तरीके से फिर से मॉडिफिकेशन चालू होने वाला है और इस बार का जो गाड़ी का लुक आने वाला है वो आने वाला है राजस्थानी स्टाइल में। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।